सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर एक पेशेंट स्टडी में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा मैं डॉक्टर दीपक केळकर, मैं सेक्स रोग मनोविकार सम्मोहन तथा व्यसनतज्ञ हूं, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। एक 31 साल का लड़का मेरे पास में आया और उसको विश्वास था कि उसको कुछ तो भी बॉडीली बीमारी है, बदन में कुछ तो भी लक्षण ऐसे है, मतलब सिर में दर्द हो रहा, पेट में दर्द हो रहा है, थकान बहुत महसूस हो रही है और खाना पचता नहीं, हजम नहीं होता बराबर और कभी नींद बराबर नहीं आती। तो फिर उसको मैंने उसको डायग्नोज किया, हिस्ट्री लिया, मुझे लगा ये सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर है और फिर उसका मैंने इलाज चालू किया। इसमें होता क्या है, इसमें होता है एक नंबर एक कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सीरियस बीमारी है और सीरियस बीमारी मेरे बदन में है, हो सकता है कि पेट की है, लिवर की होंगी, सर में दर्द होगा, सीने में दर्द होगा, हाथ पैर में एनर्जी नहीं, जो भी कुछ है, और वो जो बीमारी सीरियस है उसके वजह से वो अपना रूटीन जो है रूटीन काम नहीं कर सकता, वो हैम्पर हुआ है, वो डिस्टर्ब हुआ है। तो ये कम से कम ऐसा 6 महीने से रहा तो उसको हम बोलते हैं सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर। तो उसमें होता क्या है, उसमें एक तो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, चिंता है, फिक्र है कि मुझे कुछ ना कुछ बीमारी है, सब तरह की जांच करने के बावजूद भी उसमें कुछ निकलता नहीं है और बार बार उसको वही विचार आता है कि मुझे कुछ ना कुछ बीमारी है और उसका इलाज ठीक तरह से नहीं हो रहा है। उसके साथ उसको एंग्जाइटी रहेगी, उसके साथ उसको डिप्रेशन भी रह सकता है और काफी सारे डॉक्टरों को विजिट करते रहता है, काफी सारे इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद में भी उसको लगता है कि भाई मेरा जो निदान है बीमारी का वो हुआ नहीं है और वो डॉक्टर विजिट करते रहता है। इसमें ज्यादातर पेन की बीमारी ज्यादा होती है, मतलब पेन डिसऑर्डर मतलब पूरे बॉडी में दर्द। और ये जो लड़का आया था उसको बॉडी में दर्द था, पैर में खिंचाने से लगती थी, पैर में अंगार होती थी, उसको कोई शराब का व्यसन नहीं था, कुछ व्यसन नहीं था, तभी भी उसको लगता था कि भाई मेरे सिर में दर्द है और पूरे बदन में दर्द है, मुझे हार्ट का तो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पचन ठीक नहीं हो रहा, मुझे कैंसर तो नहीं है, ऐसा उसको बार बार लगता था और उससे उसका काम उसने बंद कर दिया था, कहीं आना नहीं जाना नहीं, बैठ जाना घर पे, काम बंद है। और उसके पीछे कारण भी हो सकता है कुछ लोगों के, इसमें कारण क्या होता है कि ये जो है ना ये अवॉइडेंस बिहेवियर है, मतलब ऐसा कुछ तो भी अपने लाइफ में कुछ तो भी ऐसा हादसा हुआ है उसका सामना नहीं कर सकता, आपसी संबंध जो है उसमें कुछ तो भी तनाव आ चुका है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो अभी उसको वहां से भागने का है, सिचुएशन से उसका सामना नहीं करने का है, ऐसे सिचुएशन में फिर ये बीमारी हो जाती है जिसमें फिर वो उसको सहानुभूति मिलती है। बीमारी है तो घर के लोग बोलते ठीक है भाई बैठ जा घर पे आराम कर, पैसे मांगने वाले भी कुछ आते नहीं है ना, उसके ऊपर डिमांड डाली जाती है। ये लोगों का इलाज जो है वो एंटी डिप्रेशन से करते हैं, इसका भी मैंने इलाज एंटी डिप्रेशन करके जो दवाई आती वो उससे दिया, साइकोथेरेपी दिया, हिप्नोटिज्म सम्मोहन उपचार किया और धीरे धीरे जब उसको रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी की तरफ में लेके गया, उसने वहां बता दिया कि ठीक है अभी मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि जो स्थिति से जो परिस्थिति से वो भाग रहा है उसकी वजह से उसकी मनस्थिति खराब हो रही है। परिस्थिति से भाग के होगा नहीं, परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भाग रहा है जिंदगी में क्या होगा, तो ऐसे जब रहता है तो उसमें उसको सामना कैसे करना, अपने आप की ताकत कैसे बढ़ाना और परिस्थिति कैसी भी हो मैं कैसा उसको पावरफुली डील करूं वो सिखाना, और वो सीखना बहुत जरूरी है। तो वो हमने साइकोथेरेपी में उसको उसमें बिल्डअप किया, उसको काफ़ी अच्छा लगने लगा। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं कि जो ये बीमारी से त्रस्त है वो अच्छे हो सकते हैं यदि उनको ये चीज़ के बारे में मालूम हुआ तो, डॉक्टर का इलाज ले सकते हैं, अपना इलाज करके अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो वो जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।